नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं। जैसा कि इससे पहले आशीष सर ने आप सभी के समक्ष जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है उसके द्वारा दिए गए जवाबों के संबंध में आपको जानकारी दी थी। पुलिस भर्ती बोर्ड काफी दिनों से शिथिल पड़ा हुआ है और उसके द्वारा लगातार यह बात आपकी कही जा रही कि पुलिस आपके विभाग में कांस्टेबल की परीक्षा और साथ ही साथ आपके एसआई एएसआई इन सभी की आपकी जो है कहीं ना कहीं विज्ञप्ति जारी होनी है, लेकिन वो कब जारी होगी इसी प्रश्न में थोड़ा सा एक जो है हमें जवाब मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा दो टेंडर आपके जारी किए गए, जिसमें एक आज आपका जारी किया गया है और एक टेंडर आपका कल जारी हुआ था। यानी पुलिस भर्ती विभाग में कहीं ना कहीं आपका जो भर्ती बोर्ड है वह आगे धीरे धीरे आपके कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है, जिसमें अगर मैं बात करूं यह आपके सामने जो दिख रहा है यह आपका टेंडर आज आया है, जो है एक तरीके से 17 अगस्त का टेंडर है। और इस टेंडर में अगर मैं बात करूं कि किस को लेकर के है तो आप सारे लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक यानी जो गोपनीय है कॉन्फिडेंशियल, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में EOI का आमंत्रण है। तो ये एक तरीके से आपकी निविदा है, टेंडर इसने अलॉट किया है, ठीक है, जारी किया है। अब इसमें कंपनियां जो ये काम करवा सकती हैं, बोर्ड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही है, जिसमें लगभग जो है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाही, ऑफलाइन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, कंप्यूटर टंकण आंसू परीक्षा, अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने की कार्यवाहियां कराई जानी है, ठीक है। इसके लिए ख्यात प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्यवाही करने हेतु सक्षम है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनसे आमंत्रित की जाती है। तो ये चीजें आपकी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति है, ठीक है, जिसमें उसने जो है एसआई एएसआई इनके लिए आपके भर्ती टेंडर जारी किया है। वहीं पर कल अगर मैं बात करूं 16 जो है ये भी 17 अगस्त का ही है, इसमें आप देखेंगे मतलब कल दोनों के दोनों जारी किए गए, इसमें आपका जो है बहरहाल जो कुशल खिलाड़ी है उनकी सीधी भर्ती हेत, ठीक है, यह आपकी निविदा प्रकाशित की गई थी। तो यह कल दोनों के दोनों आपके जारी हुई है और आगे आपके भविष्य में भी, ठीक है, भर्ती बोर्ड के द्वारा अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो बहुत जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने सुना देखा जाना कि धांधली बहुत हुई, लेकिन उस जो है जो इस संस्था ने ये पेपर कराया उस संस्था पर कोई भी जो है बात एक्सेप्ट ही नहीं की गई कि इस संस्था ने धांधली कराई थी, इस संस्था ने क्या कराया। तमाम जगहों से न्यूज आप लोगों ने देखा, लेकिन वो संस्था ब्लैकलिस्ट नहीं है, तो वो संस्था तो बैठी ही है, और भी कई संस्थाएं बैठी हैं। ये टेंडर जल्द ही अलर्ट हो जाएगा और अलर्ट होने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपके सामने पुनः एक जो है बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि कॉन्स्टेबल के तौर पर एसआई एएसआई वाली आपकी जो है और अन्य कई पद हैं जो आपके जो है शुरू हो जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर, जिसमें आपका सबसे पहला जो एग्जाम अभी भारतीय बोर्ड से होने वाला है वह रेडियो ऑपरेटर का होगा, उसके बाद आपको अन्य नए पदों की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपकी कोई अन्य सूचना होती है उसको लेकर के तुरंत अपडेट आपको मैं दूंगा। उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी बात है, आप लोग सारे लोग जो पहली बार इस चैनल पर हैं, वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक वह तत्काल तौर पर पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।